वहीं ऊना में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य है कि प्रदेश में 5 लाख नए प्राइमरी सदस्य बनाए जाएं। इस मौके पर सत्ती ने कांग्रेस पार्टी को दिशाहीन होने वाली पार्टी तक करार दिया। सत्ती ने बजट को आम जनता का बजट बताया और कहा कि आने वाले 2024 के चुनावों में जनता बजट को देखकर ही वोट देगी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पार्टी 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लेके चल रही है, जिसकी शुरुआत ऊना में बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की। पार्टी अध्यक्ष की माने तो आज प्रदेश व देश में नए सदस्य बनाने के अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को इसका विधिवत उद्घाटन भी किया है। हिमाचल में पार्टी के साथ अभी तक 13,41,000 सदस्य जुड़े हुए हैं। नए प्राइमरी सदस्य 5 लाख बनाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है, जिसके तहत काफी संख्या में लोग ऊना पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को निःशुल्क LPG सिलेंडर व चूल्हे भी वितरित किए गए हैं। सत्ती ने बजट को आम आदमी और गरीब का बजट बताया। सत्ती की माने तो आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसको लेकर कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। बजट नरेंद्र मोदी जी ने जैसा पहले भी बोला है कि गांव और गरीब की चिंता जो सरकार करने वाली है, आम आदमी की चिंता करने वाली सरकार है। कुछ इसमें कड़े कदम भी लिए गए हैं, जैसा नरेंद्र मोदी जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि अगर कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए कड़े कदम भी होंगे। लेकिन गरीब लोगों का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, मिडिल फैमिलीज़ का ध्यान में रखा गया है, और आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेकों ऐसे कदम उठाए हैं जिससे गांव और गरीब और शरीफ लोगों को लाभ मिलेगा और जिनके सहयोग से देश आगे बढ़ेगा। इस देश के अंदर एक नया गरीबों का उत्थान हो, वो आगे बढ़े, मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष भी किया है और इस बजट में भी इसी लाइन को अपनाया गया है। सत्ती ने बजट पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसियों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन पार्टी है। कांग्रेस के बड़े नेता तो इस पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता जो बजट पर बोल रहे हैं उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। सत्ती की माने तो जिस प्रकार का बजट पेश हुआ है, आने वाले 2024 में जनता इसी बजट को देखकर अपना वोट करेगी। कांग्रेस का तो नेतृत्व ही दिशाहीन हो गया। सोनिया गांधी जो राहुल गांधी जी ने तो कुछ बोलने से इनकार कर दिया, उनको पता नहीं लग रहा है बोलें क्या, तो इसलिए कांग्रेस के नीचे वाले नेता बोल रहे हैं। अब वो अपनी समझ के अनुसार बोल रहे हैं। वो पुराने बजट को भी दिशाहीन ही बोलते थे और कहते थे जनता नरेंद्र मोदी से बदला लेगी। चुनावों में ध्यान में आ गया कि जनता ने क्या किया है और अगले 5 साल के बाद जब 2024 का चुनाव होगा उस समय फिर से इन बजटों को देख करके लोग वोट करेंगे और उस समय ध्यान में आएगा कि बजट ठीक से या गलत है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।